जय माता दी। एकदम दाल रोटी और मूली और प्याज। प्याज तो है नहीं यहाँ। प्याज है ही नहीं। तो अभी भी पैकिंग कर रहे थे उस्ताद जी, तो अभी पैकिंग कर ही रहे हैं, तो एकदम से बैल बजी। मैंने बोला ना हाँ कौन भाई, तो एक भाई गिफ्ट दे गए, कह रहे सर आपके चाहने वाले थे तो तुम्हें दे जाते यार आके। चलो कोई बात नहीं, भाई का नाम है अनिरुद्ध और अनुराग सूरी, तो दोनों देखे गए हैं, तो इसे अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं अनबॉक्सिंग में क्या होता है। और यार इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग मेरे से मिल लेते वही काफ़ी था सच में। माता की फोटो। अरे वाह, जय माता दी, जय माता दी, जबरदस्त जबरदस्त। थैंक यू अनुराग एंड थैंक यू अनिरुद्ध, बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत ही प्यारा सच में। तो रेडी हो चुके हैं और आप चल रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर के रेडी हो गए, पूरी पैकिंग हो चुकी है। चलो उस्ताद जी, थोड़ा सा श्रृंगार कर लेता हूँ। ओह चलो, तो रास्ते में मिलते हैं। और ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बताना, लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना जो कमी हो, जो शॉट अच्छे लगे और जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके ड्रोन शॉट्स कैसे लगे, तो सारी बात बताना जो मन में वो बोल दिया और कमेंट्स में। आप तो मेरे खास बना सजी रेडी। तो बाइक भी गर्म कर दिया, चेतक थोड़ी देर चला के गर्म करना पड़ता क्योंकि लंबी टूर पर। हाँ भाई रेडी। तो चलो चलते हैं, अब चेक करना पड़ता है बीच में ग्रुप चल रहा है नहीं चल रहा। तो रेडी हैं, अब हम जा रहे हैं कटरा से श्रीनगर स्ट्रेट। ठीक है उस्ताद जी, उस्ताद जी का सिंहासन देखो, इसको ना ऐसे लगा दिया है कि जब ब्रेकिंग हो या कोई स्पीड ब्रेक कराए ऊँचा तो उस्ताद जी आगे ना आए पीछे रहें, इतना डिफरेंस है उस्ताद जी और मेरी सीट में। अब आराम से कम्फर्टेबल, अब निकलते हैं और 250 किलोमीटर है और पूरा टर्न ही टर्न टर्न ही टर्न, ऐसे 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 रास्ते हैं। तो चलो चले, जय माता दी। तो वहाँ सामने दिख रहा है आपको, तो इस बात पे कमेंट कर देना जय माता दी। चल भाई चेतक उतर जा। ठीक है, घुमा के आना पड़ेगा भाई। उस्ताद जी बैठो बैठो, आप बैठो। लेट्स गो। तो पहला हमारा जो स्टॉपेज आएगा वो आएगा उधमपुर, यहाँ से 42 किलोमीटर यहाँ से। तो पहला स्टॉप हमारा 42 किलोमीटर पे होगा, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है। और ये देखो नज़ारे, जय माता दी, वो रहा दरबार, प्यारा सजा है तेरा दार भवानी। अब फोटो सेशन चलेगा, फोटो सेशन है जी, फोटो चलेंगी फोटो। जल्दी कर, जल्दी बहुत जल्दी। चलो पीछे देखो, चल खींच दी उधमपुर। चलो भाई, तो हाईवे आ गया उधमपुर का, ये छोटा पड़ा जी। तो शॉर्टकट रास्ते से आए थे ना, छोटा पड़ गया, अब सही है हाईवे। श्रीनगर 209 किलोमीटर, उधमपुर 27 किलोमीटर, श्रीनगर 209, सही छोटा पड़ गया। तो यार भाई सिम लेके, और क्या है भाई ठीक हो? तो अपने भाई ने भी कमाल कर दिया, अपनी सिम दे दी, कह रहा कोई दिक्कत नहीं आएगी, दो दिन अब कश्मीर में आप आराम से कॉल करना,
वाह यार, तो सच में बहुत प्यार करते हैं आप सब, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दो दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे नेट नहीं चला, सिग्नल नहीं है, ना फ़ोन आ सकते हैं ना जा सकते हैं, सिर्फ यहीं की सिम यूज़ कर सकते हैं। तो भाई ने अपनी सिम दे दी, अब चलते हैं सीधा आगे, कुछ खाते हैं। तो बहुत बहुत प्यार भाई को, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया सच में, क्योंकि बहुत ज़रूरी थी हमें सिम, कि फ़ोन करने पड़ते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। चलिए अब मिलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट में। हाँ, तो अब रुक गए और मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे, आलू के पराठे और चाय। और उस्ताद जी का ऑर्डर सुनो, उस्ताद जी आप अपना ऑर्डर बताओ। अभी कुछ ले लेते हैं हल्का फुल्का, उसके बाद फिर अगला प्रश्न करेंगे। अभी तो 6 घंटे हैं, अभी मंजिल दूर है, अभी मंजिल दूर है। तो यहाँ से है श्रीनगर कोई 180-190 किलोमीटर। तो अभी चलते हैं, टाइम हो चुका है 11:30 हो गए हैं, और फिर मिलते हैं। थकान हो जाती है ना राइड में, थकान होएगी यार, क्योंकि रास्ते ऐसे ऐसे ना वो ज़्यादा थका देते हैं, और कुछ रोडें टूटी हुई हैं तो एकदम चेतक जाता है, फिर आता है। ऐसी जगह से बैठे हैं खाना खाने के लिए जहाँ से हमारा चेतक भी दिखता रहे, सेफ्टी भी ज़रूरी है चेतक की। तो हो गया ब्रेकफास्ट, अब चलते हैं। मस्त ज़बरदस्त आलू के पराठे थे तंदूर वाले, और उनके साथ ब्लैक कॉफ़ी, मज़ा आ गया। और अब चलते हैं, और उस्ताद जी की राय पूछते हैं कैसे रहे पराठे। हाँ जी उस्ताद जी, भाई ब्रेकफास्ट कहो या लंच कहो, हमारा तो कोई टाइम टेबल रहा नहीं, चलते ही रहते हैं। हाँ चलो फिर, बैठो उस्ताद जी बैठो, निकल पड़े आप, ज़रूरी है ना खाना पीना बीच बीच में, तो फिर एक्सरसाइज कैसे होगी, फिटनेस कैसे रहेगी, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। कोशिश करता हूँ कम से कम ऑयली हो पाए, कम से कम शुगर हो पाए, लेकिन वो बाहर कई जगह नहीं हो पाता तो करना पड़ता है एडजस्ट। क्यों, ये देखो क्या व्यू है ना जन्नत। और ये नीचे टॉल, चेतक नाम है, चेतक ठीक है, आता है ऐसे करके बता दे, आता है इसमें तू दिख रहा है, बता दे जल्दी बता। खोल दिया भाई, खोल दिया, ओके मिलते हैं फिर। तो चल पड़े भाई, फाइनली बहुत वेट करवाया भाई, चलो चलो। अबे आप क्या सोच रहे हो, तो चल पड़े भाई आ गए। ये सबसे लंबी टनल है, 9 किलोमीटर लंबी, तो वेट भी बहुत करवाया, लेकिन अच्छी बना रखी है, बहुत सुंदर, मज़ा आ गया देखने में। तो हो गया इंटरनल को, ओ फाइनली, मतलब 9 किलोमीटर लंबी, मतलब चलते रहो इतनी ठंड उसके अंदर। तो वो दिखे नज़ारे उधर, तो एक लाइक बनता है नज़ारों के लिए। तो 9 किलोमीटर लंबी टनल, मतलब इतनी ठंड उसके अंदर, कब कभी चढ़ गई। तो अब तक मेरी लाइफ की सबसे लंबी टनल देखी मैंने 9 किलोमीटर की। तो यहाँ से कोई श्रीनगर होगा 110 किलोमीटर, 120-110 ऐसा ही कुछ, अभी कन्फर्म कर लेते हैं आगे चल के। नाक भी जाम हो गई एक साइड की, टनल में काम चल ही रहा है। ये देखो रोड के साइड का व्यू है ना ज़बरदस्त, बिल्कुल क्लीन पानी है, बिल्कुल क्लीन। पेट्रोल पंप मिलेगा, पहले डलवाएंगे पेट्रोल चेतक में, उसके बाद खाएंगे खाना। तो फाइनली एक ढाबा मिल ही गया, बहुत वहाँ से देखते आ रहे दूर से, तो आपको पता है मैं प्योर वेजिटेरियन, तो देख के खाना पड़ता है मेरे को बहुत कुछ। तो एक ढाबा मिला यहाँ पे,
सागर वैष्णो पंजाबी ढाबा। और भूख बहुत तेज लग रही थी, मतलब एक घंटा पहले भूख स्टार्ट हुई थी, रोकते रोकते ट्रैफिक में आते 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 तो अब आए। अब खाते अपनी दाल रोटी बढ़िया और फिर चलते हैं श्रीनगर। तो कई बार ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है रोड पे, पीछे भी बहुत ट्रैफिक हो गई, चेतक को खुदा के निकाल के तब यहाँ आए, तभी आपको रोड इतना साफ दिख रहा है कि पीछे ट्रैफिक पूरा भरा हुआ है। तो बाइकों का ये फ़ायदा भी है, क्यों कट मार के इधर उधर से निकल जाते हैं। तो यहाँ से रह गया होगा 90 किलोमीटर आपका श्रीनगर। तो आज श्रीनगर ही स्टॉप करेंगे हम, डल लेक से स्टार्ट करेंगे अपना कश्मीर टू कन्याकुमारी का टूर। तो अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है दोस्तों, अभी तो ट्रेलर ही आया है, मूवी तो कल से स्टार्ट होगी। तो बहुत एक्साइटमेंट है टूर को लेके, आप लोगों को भी होगी कि वीडियोस कैसी आएंगी, कहाँ कहाँ घूमेंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियोस पे बस कमेंट कर दिया करो, जो आपको सजेशन देना हो, जो बात सही लगे उसके लिए। धुआँ देखो कितना फेंक रहा है। तो ये क्या किया भाई। तो ये होती है असली ड्राइविंग, देखो ये कभी कभी देखने को मिलता है आपको, देख रहे हो कलाकारी, मतलब बंदे को इतना अंदाज़ा यहीं से घुमा देगा, देख रहे हो अंदाजा, बहुत मुश्किल टास्क है ये, इतनी सी जगह है पीछे, बेस्ट ड्राइवर बोल सकते हैं इसको। ले ले भाई आराम से ले ले, कोई जल्दी नहीं है, बस क्या ड्राइविंग, ओ ओ ओ ओ क्या ड्राइविंग है, मस्त। फिर रास्ते बंद हैं, लेकिन बाइक का अपना अलग ही मज़ा है, कहीं से भी निकल जाती है। तो देखो भीड़ आपको दिख ही रही होगी, ट्रक होगी स्टोन, लैंडस्लाइड वाला एरिया है, बहुत लंबी लाइन है, पीछे से भी बहुत लंबी लाइन है। गोप्रो भी स्टार्ट किया था मैंने दिखाने के लिए आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है सच में। अच्छे तक को थोड़ा साइड कर लेते हैं, क्योंकि सामने से गाड़ी आ गई, आराम से भाई। मतलब बर्फ गिरी है वो देखो, अभी थोड़ा क्लियर आएगा यहाँ पे, अब दिखेगा आपको, वो देखो बर्फ दिखी वो सामने ऊपर, तो बर्फ गिर चुकी है, ठंड भी बहुत हो गई है। जैसे श्रीनगर के पास जाएंगे ठंड बढ़ती चली जाएगी। ये कुछ रास्ता हो रहा है ट्रकों के साथ, फिर सीधा हाईवे मिल जाएगा हमें, 4 लेन, और फिर आराम से, कितना सुंदर व्यू देखना, ओ आराम से बेटा आराम से। ठंड नहीं है, बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड है, उतार ले इसको। पहन रहा हूँ भाई, पहन रहा हूँ, अंत की ठंड है ना, बहुत भयंकर ठंड है ऊपर, बहुत भयंकर, इसलिए पहले आपने लगा, वो देखो व्यू, एक मिनट हट, एक बार ड्रोन शॉट ले लेना, ड्रोन शॉट ना, अच्छा कोई बात नहीं, खराब होगा कोई फायदा, हाँ सुबह चलते निकलेंगे, आज ड्रोन शॉट नहीं उसके लिए सॉरी, ठंड लग रही है हाथों में, बहुत भयंकर। उस्ताद जी को तेरे वाले ग्लव्स उस्ताद जी को दे दे, हाँ वो भी वो वाले हैं राइडिंग वाले, ठंड वाले वो मेरे को दे दो, बहुत ठंड है, क्योंकि पीछे तो हवा लगनी नहीं, एक मिनट खींचना उस्ताद जी पीछे से, ये लो ये आप वाले ले लो, मोटे वाले दे दो मेरे को, आ,
ये थर्माकोट बहुत भयंकर ठंडा ऊपर है ना। दो जैकेट पहना दे, जैकेट जैकेट पहना दे, भाप दे कैसे नहीं पकड़ लिया। तो ठंड का कर लिया पूरा इंतजाम, अब ना हाथों में ठंड लगेगी ना अंदर। वो देखो क्या व्यू है, टनल है जी उस्ताद जी, टनल है। तो सर कह रहे हैं कि वो निकल गया मिता, आगे निकल गया है। ठीक है सर, ठीक है चलो। टनल से निकलते ही बर्फ ही बर्फ, क्या बात है, क्या वादियां हैं। ओह वाह, तो बर्फ ही बर्फ है चारों साइड। जस्ट अभी भी रूम में पहुंचे हैं और बहुत ठंड चढ़ गई इस समय, बहुत ज्यादा, इतनी ठंड की उस्ताद जी तो आते ही कंबल में है। उस्ताद जी कंबल भाई, बड़ी भयंकर ठंड है। और उस्ताद जी के तो भाई ये लगवाया है, ले लिया अपनों 20 रुपए भाई, अरे पूरा गरम कर दिया इसने उस्ताद जी, से एक नंबर। उस्ताद जी के तो कब को फिर चढ़ गई थी ठंड, चढ़ गई बहुत ज्यादा। तो भाई मैं भी एक गरम कॉफी पी लूं, और अमित भी कॉफी पिएगा ना, जबरदस्त। तो सच में बहुत ठंड है और कल बर्फ गिरी थी। और अब कॉफी पी लेते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। और ड्रोन शॉट इसलिए नहीं आई क्योंकि आर्मी एरिया था, और फिर अच्छा नहीं लगता कि वो हमें बोले और हम उड़ाएं, अच्छी अच्छी बात नहीं है। तो कोई नहीं, एक वीडियो में आगे से आगे वाले वीडियो में आई। तो कश्मीर पहुंच चुके हैं, सेम रास्ता है, रास्ते में फिर जाते हुए लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ढंग की जगह लेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो द लेक से स्टार्ट होगी, के से स्टार्ट होगी और के पे एंड होगा, है ना। तो ऐसे ही प्यार करते रहें, माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें। जय हिंद जय भारत।